सो ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो फाइनली गाइस रॉयल एनफील्ड हिमालयन इंडियन मार्केट में आज ही लॉन्च हो चुकी है और उसी के साथ साथ वो इंडियन मार्केट में भी और यूके के अंदर भी और यूरोपियन मार्केट में भी वो लॉन्च हो चुकी है। सो गाइस मैं आज उसके कुछ रिव्यू स्पेसिफिकेशन और कुछ चेंजेस कौन से उसमें नए अपडेट्स आए उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस रॉयल एनफील्ड की ये नई जो हिमालयन है उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं और कुछ नए फीचर इसमें दिए गए हैं। हालांकि इसमें पावर ट्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गया। इसमें जो पहले 411 सीसी का इंजन था वही सीसी का इंजन है, वो भी सिंगल सिलेंडर इंजन था और उसमें भी 5 स्पीड का गियरबॉक्स था और वो भी 4 स्ट्रोक और एल्ड कूल इंजन उसमें दिया गया था। और उसके पावर की बात करूँ तो उसमें 24.83 पीएस का पावर देखने को मिलेगा और टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क 32 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क देखने को मिलने वाला है। यानी पावर ट्रेन जो पहले वाले मॉडल में था वही का वही इसमें दिया गया है। अब गाइस बात करूँ कॉस्मेटिक चेंजेस की तो उसमें रिफ्रेश्ड सीट विथ एक्स्ट्रा कुशनिंग, यानी कि सीट को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है जिससे कुशनिंग भी और भी बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ इसमें रियर कैरियर विथ एडिशनल प्लेट, यानी कि एक एडिशनल प्लेट इसमें दी गई है। एंड ऑल्सो बाइक की हाइट भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो चुकी है। और गाइस अब नया फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें ट्रिपर वाला फीचर दिया गया है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन पॉड दिया गया है। ये वाला फीचर पहले मीटियोर की 350 में आ चुका है तो ये हिमालयन में भी अभी आ गया है। और इसी के साथ साथ गाइस इसमें न्यू विंडस्क्रीन दिया गया है, यानी कि न्यू जो विंडस्क्रीन है उसमें थोड़ा बहुत शेप चेंज किया गया है, यानी पहले से विंडस्क्रीन अलग है अभी। सो गाइस यही कुछ चेंजेस थे और मैकेनिकल चेंजेस तो इसमें कुछ है ही नहीं। और गाइस अब बात करूँ कलर्स की तो कलर्स इसमें बहुत ही सारे दिए गए हैं जिसमें ग्रेनाइट ब्लैक, पाइन ग्रीन, ब्लॉक रेड, लैक ब्लू, ग्रेवल ग्रे और सिल्वर कलर इसमें दिया गया है। जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इसमें टोटल 6 कलर्स दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसमें पाइन ग्रीन कलर की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छा कलर दिखता है। सो गाइस अब बात करूँ इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 2,01,314 रुपीज़ इसका प्राइस आया है, यानी कि पहले से कुछ प्राइस 10,000 जितना इंक्रीज हुआ है। सो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ये जस्टिफाई करता है या नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।